Amid increasing trouble for residents during monsoons, the Maharashtra government seems to have finally woken up. CM Eknath Shinde was seen reviewing the poor road conditions on the Thane-Nashik highway. Mumbai Suburban Guardian Minister Mangal Prabhat Lodha also went on the streets of Mumbai and inspected potholes. Now, he was accompanied by BMC officials. After his visit to the pothole-struck roads, Lodha promised the people of Mumbai that in the next 30 days, Mumbai will be pothole-free. But a political row has now erupted in the state, with the opposition blaming the government for the state's mess, calling the action too little, too late. Listen in. मैं किसी पे दोष नहीं देना चाहता हूँ, पर गोखले ब्रिज का काम का कंपैरिजन रेलरोड के ब्रिज से भी करना चाहिए और परेल के ब्रिज से भी करना चाहिए. ये ब्रिज तोड़ने के बाद में एक साल के अंदर अंदर यदि हम तीन लाइनें शुरू कर सकते हैं तो मुंबईकरों को ये बात माननी पड़ेगी कि ये सरकार, ये महानगर पालिका आपकी तकलीफ का ध्यान रखती है. और जो हम अक्टूबर में शुरू करने वाले थे अंबाला में, जहाँ ये बड़े गडर बन रहे हैं, वहाँ पानी बढ़ने के कारण तीन महीना लेट हुआ. नवंबर में हम कम से कम तीन रोड थ्री वे शुरू कर देंगे. Isn't it a little too late in the day for him to do this inspection now? He is the same chief minister who had promised Mumbaikars and the citizens of Maharashtra that the roads will be pothole free in times to come. But looking at the current situation, it looks like that the roads are not going to be pothole free in time to come. Mangal Prabhat Lodha ji, the guardian minister of suburban Mumbai, also is out there visiting and seeing if there are potholes on the roads. Again, isn't it too late in the day for him to do that? He should have done this before the monsoon and made sure that the roads are pothole free. आज जिस तरह से मुंबई के पालक मंत्री लोढ़ा जी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जिस तरह का गड्ढों का दौरा कर रहे हैं, तो ये गड्ढे खुद के ही गिराए हुए हैं और ये आने वाले दिनों के चुनाव में इसी गड्ढों में गिरने वाले हैं. क्योंकि जब बारिश आने वाली थी तो बारिश के पहले नाला सफाई और रास्तों को ठीक करना, गड्ढे ठीक करना, ये काम वो कर नहीं पाए. और बारिश आई तो अभी फोटो ऑप शुरू हो गए लोगों को दिखाने के लिए कि मैं लोगों का मुख्यमंत्री हूं, ये लोगों की सरकार है. तो ये फोटो ऑप लोगों को समझता है, आप जो भी कर रहे हैं वो दिखावा है. आपको गवर्नेंस करना नहीं है, आपको सिर्फ पार्टियां तोड़ना है, सरकार बनाना है, और ये अभी जनता जान चुकी है. आर्थिक राजधानी मुंबई में गड्ढे को भरने का काम फिलहाल सरकार द्वारा लगातार तेजी से चल रहा है. करीबन 3000 गड्ढे मुंबई के अंदर दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 600 से ज्यादा गड्ढों को भरने का दावा फिलहाल महानगर पालिका ने किया है. यहाँ की तस्वीरें हम आपको अंधेरी की दिखाएंगे कि मेरे हाथ में एक पेपर है, अगर आप तस्वीरों के जरिए देख पाए कि यहाँ पर पहले तीन गड्ढे थे, एक दो, और यहाँ पर आप तीसरा गड्ढा देख पाएंगे. इन पूरे गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है, जिसको आप देखेंगे कि सड़क का एक पूरा जो किनारा है उसे कट किया गया है, और इस पूरे किनारे को कट करने के बाद इसे भरने का काम किया जा रहा है. और ये तब हो रहा है जब शहर के पालक मंत्री जो हैं मंगल प्रभात लोढ़ा, वो सड़कों पर आके जायजा कर रहे हैं इन सभी गड्ढों का, जिससे कि मुंबईकरों को राहत मिले. हालांकि उनका ये भी दावा है कि 25 साल में जो बीएमसी ने नहीं किया वो उनकी सरकार ने एक साल में ही करने की कोशिश पूरी की है, और आगे इसी तरह से वो जगह जगह पर जाकर जायजा लेंगे और उन गड्ढों को इसी तरीके से मजबूती से ढकने का काम सरकार करेगी.